बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो गाइस आज की वीडियो इस्लामिक यूट्यूब चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है अल्लाह का इनकार। इनकार है या इनाकार? इनकार ही एक तरह से स्पेलिंग मिस्टेक होगी। हाँ, तो इम्पोर्टेंट बयान है ये और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का है। बिल्कुल, तो अल्लाह का इनकार सुनने में तो थोड़ा वैसा लग रहा है, पावरफुल बात है कुछ। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती साहब की वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि जब भी कोई दलील दे तो फौरन मुतासिर ना हो जाया करें, ये सोचा करें अगर मैं इसकी बात मानूंगा तो इससे बड़े दलाइल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा कहीं मुझे। और आज यही हो रहा है, जो लोग इस्लाम के खिलाफ दलाइल देते हैं ना। अभी एक मुल्हिद का मैंने एक मिसाल दी थी कि उसने मोबाइल हाथ में निकाल के दिखाया और उसने कहा कुरान ये कहता है कि इस कायनात को मैंने बनाया। तो हम खुदा के इस दावे को, जो अल्लाह है ना, जो अपने आप को कह रहे हैं, हम कैसे मान लें? आगे कहने लगा अगर कोई भी उठ के ये कहे कि ये मोबाइल मैंने बनाया है तो क्या हम मान लेंगे तूने बनाया है? है भाई, अब ये बड़ा ज़बरदस्त, बज़ाहिर बड़ा ज़बरदस्त एतराज़ है कि यार अल्लाह ने कह दिया मैंने कायनात को बनाया तो मान लेंगे अल्लाह ने बनाया है भाई। जैसे कोई मोबाइल बोले मैंने बनाया है तो मान लेंगे कि मैं बोल दूँ ये मैंने बनाया, मान लोगे आप? नहीं भाई, ऐसे थोड़ी, दलाइल से साबित करो कि तुमने बनाया है, रिपोर्टें पेश करो। तो अल्लाह भी आए, बताए, ज़मीन पे उतरे, समझाए मैंने बनाया तो हम मानेंगे, ऐसे थोड़ी कोई भी दावा कर दे। अब जिनमें खोपड़ी सही काम नहीं करती ना, उनकी वो बड़े मुतासर होते हैं, यार बात तो सही है, कोई भी उठ के कह दे ये चीज़ मेरी है तो दलील के बगैर नहीं मानी जाएगी। तो अल्लाह ने, कुरान ने कह दिया ये अल्लाह ने बनाया है तो हम कैसे मान लें? जब वो आयत पढ़ रहा था ना कुरान की और तर्जमा कर रहा था मुल्हिद, इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफक्करून, अल्लाह ने कुरान में मिसालें दी, इतनी बड़ी कायनात, दिन और रात का इख्तलाफ और दिन और रात का बदलना, इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। ये आयत इतनी वजद वाली आयत है ना, इसे सुन के मजा आ रहा है कि कितना बड़ा सबूत दे रहा है अल्लाह ताला। खैर, मोहतरम की दलील ये कि कोई भी उठ के दावा कर दे कि ये मोबाइल मैंने बनाया है तो जब तक वो दलील ना दे हम उससे मोबाइल का, हम उसको मालिक नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते कि इसने ईजाद किया है। तो अल्लाह ने कह दिया मैंने बनाया तो हम कैसे बगैर दलील के मान लें? सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये ना माने, हम ये ना माने कि अल्लाह ने नहीं बनाया, फर्ज कर लो आपकी बात दुरुस्त साबित हो गई, तो सवाल ये पैदा होता है किसी ने तो बनाया है ना। क्योंकि दावा, मिसाल ये यूं होनी चाहिए, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि ये मोबाइल मैंने बनाया है, इस पर मुझसे सबूत मांगोगे ना, लेकिन मैं ये दावा करूं कि किसी ने नहीं बनाया, मैं ये दावा करूं कि किसी ने नहीं बनाया, मान लोगे ये दावा? कोई एथियस्ट भी नहीं मानेगा। आप खुदा का, अल्लाह का इनकार करके कि अल्लाह ने नहीं बनाया, उससे आप साबित ये करना चाह रहे हो कि किसी ने भी नहीं बनाया। एक छोटा सा इस कायनात में ये मोबाइल खुद से नहीं बन सकता, जिन चीजों से ये मोबाइल बना है, जिन दिमागों ने इस मोबाइल को बनाया है, वो ऑटोमेटिकली खुद से कैसे बन गए? इस इश्काल का जवाब पी जाएंगे बड़े ठंडे पेटों है भाई, डकार लेके ना ऐसा भुन्ने बन गए, इसका कोई जवाब ही नहीं। आपको बहस ये उठानी चाहिए कि भाई कोई इसका मुद्दई नहीं है, दावेदार नहीं है, तो ये खुद से बना है, कोई दावा नहीं कर रहा, लिहाजा ये कोई भी नहीं मानेगा कि भाई ये नहीं हो सकता, इतनी बड़ी कायनात कैसे खुद से बन गई है? फिर एक और मिसाल मोहतरम देते हैं मुल्हिद लोग, इस तरह की मिसाल है कि कायनात अगर खुद से किसी ने बनाई है तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई फायदा नहीं है। जब बनाने वाला कुछ बनाता है, ये भी इश्काल है ना। पहले मैं पहले इश्काल का जवाब दे दूँ, बात कंप्लीट हो जाए। अब देखो ये जो इश्काल होता है कि हम मान लें कि यार मैं अगर ये दावा करता हूँ, एक तो फोन जब भी निकालता हूँ फोन आया हुआ होता है किसी का, दावा करने से पहले फ्लाइट मोड पर लगा दूँ मैं इसको, हर वक्त बचता रहता है। मैं अगर ये दावा करूं कि मैंने बनाया है तो
तो आप इस पर यकीनन मुझसे दलील मांगेंगे, लेकिन आप इसे साबित क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये मान लें कि इस कायनात को किसी ने नहीं बनाया? ऐसा नहीं हो सकता। अभी बात ये चल रही है कि इस कायनात को किसी ने बनाया, अल्लाह तो बाद में, अल्लाह पे डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे, पहले ये तो साबित करो। जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को हम कहते हैं, उनके फॉलोवर्स को, पहले उसका शरीफ इंसान होना साबित करो, नबूवत अगला स्टेप है, समझ रहे ना? आप अगले स्टेप पे आ रहे हो, पहले शराफत साबित होगी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपना कैरेक्टर पेश किया है 40 साल के बाद, कि मैं अगर कहूँ कि उहद का पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है तो मान लोगे? सबने कहा आप सादिक अमीन हैं, कोई खयानत नहीं देखी हमने आप में कभी। कैरेक्टर का सही होना साबित किया, नबूवत अगली चीज है। तो भाई आप पहले ये तो मानो कि इस मोबाइल को, जैसे ये खुद से नहीं बन सकता, ये कायनात भी खुद से नहीं बन सकती, अगला स्टेप अल्लाह फिर हम खुद कर लेंगे। कि घुन्ने होते हैं जितने अहले बातिल है ना, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूं कि इनके पास लफाजी के सिवा कुछ नहीं होता। सब इसमें, जो अहले हक के उलमा के खिलाफ बोलते हैं वो भी, जो हजरत मुआविया के खिलाफ बोलते हैं वो भी, लफाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। घुमाते हैं बातों को। जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद के खिलाफ बोलते हैं उनके पास भी लफाजी है कुछ। तो इनमें बेचारे ऐसे हैं जिनके पास दलाइल नहीं, देखे नहीं, कम इल्मी की वजह से वो मुतासिर हो गए, उनके को दलील इल्म नहीं है उनके पास, तो इसलिए मुतासिर हो गए। तो वो दलाइल दे रहे हैं अल्लाह की फजीलत के, और फिट कर रहे हैं अर्श के ऊपर, जो अल्लाह नहीं है। हम खैर अभी अर्श वाला मौजू फिर क्लिप बना देते हैं लोग, उसके तो मैं अब डिटेल से बनाऊंगा इंशाल्लाह बैठ के। तो पहली बात तो ये है कि बात ये होगी कि अल्लाह कोई कायनात को बनाने वाला है या नहीं है। फिर हम आपसे कहेंगे कि जब ये मोबाइल खुद से नहीं बन सकता तो ये कायनात खुद से कैसे बन सकते? रहा ये मसला कि जो भी दावा करे मैंने बनाई है तो हम कैसे मान लें? हम इसलिए मानेंगे कि जब कोई मशीन बनती है और कोई आके दावा करे कि मैंने बनाई है और उसको हमने देखा ना हो, तो हम इंतज़ार करते हैं कोई दूसरा दावा करेगा तो हम देखेंगे इन दोनों में सही कौन है। अगर दूसरा 6 महीने 6 अरब साल में भी दावा नहीं कर रहा, उसके मुजाहिम में आके खड़ा नहीं हो रहा, इसका मतलब जो मुद्दई है वो क्या है? फुकहा ने लिखा है कि अगर कोई गुमशुदा बच्चा कहीं मिल जाए ना किसी को, तो कोई भी दावा नहीं कर रहा मेरा है, तो जो आदमी कहेगा ना मेरा बेटा है, जब तक इसके खिलाफ कोई और नहीं आएगा हम इसी को इसका बाप समझेंगे। मुजाहमत में कोई और दूसरा नहीं है, उसूल है ये। भाई देखो मस्जिद में घड़ी घूमती है, ऐलान होता है घड़ी जिन साहब की आगे ले जाए, बंदा आया मेरी घड़ी है, आप इंतजार करते हैं थोड़ा बैठो अभी। कुछ निशानियां तो बताई जाती हैं, एक बड़ी सुई एक छोटी सुई है, ये है, कुछ उसने निशानियां बता दी, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना वो निशानियां तुक्के में सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, हो सकता है इत्तेफाक से क्या निकली वो सही निकली, हाँ भाई सुइयों वाली घड़ी है, या उसने कहीं चुपके से थोड़ी घड़ी देख ली थी, निशानियां बता दी, अब आप बैठे हुए। सिर्फ निशानियां बताना काफ़ी नहीं होता, मुमकिन है आपने वो घड़ी घुमा के दिखा दी हो लोगों को, अब आप इंतज़ार करोगे भाई जो असल मालिक है वो आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आएगा तो आप समझोगे यार जब ऐलान सब में हुआ है, घड़ी भी यहीं घूमी है, नमाजी भी अभी सारे मस्जिद से निकले नहीं है, हमने एहतियातन कुंडी भी लगा दी है, तो अब इसका मतलब ये सच कह रहा है। क्योंकि अगर ये झूठ कहता तो कोई तो खड़ा होता ना, अगर अल्लाह ने इस कायनात को नहीं बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, 4000 साल 10000 साल से ज्यादा पैगंबरों का सिलसिला है, अल्लाह ऐलान कर रहा है मैंने बनाया मैंने, तो जो सच्ची मुच्ची का खुदा है वो आके एक बयान दे दे ना 48 घंटों के अंदर, एक रिकॉर्ड करवा दे कि मैंने बनाया है। उसके पास 48 घंटे नहीं 48 अरब साल है उस झूठे खुदा के पास कि वो आके कह दे कि ये गलत वाला है सही वाला कौन है। वो 48 घंटे नहीं 48 अरब साल गुजर गए, वो जो सच्ची मुच्ची का खुदा है वो मार्केट से शार्ट है, तो उस पर बोलने पर कोई सच्ची खुदा पर कोई पाबंदी लगी हुई है भाई? वो जमीन पे उतर जाए, वो फरिश्ते भेज दे, वो कुछ भी करके बता सकता है भाई ये कुरान में जो खुदा है जो इंट्रोडक्शन करवा रहा है मुसलमानों का, अल्लाह ये नहीं है भाई, असल अल्लाह तो मैं हूं, वो बोलता क्यों नहीं है? कुरान कहते हैं भगवान बुतों के बारे में, इनके पांव क्यों नहीं है जिनसे ये चलते हैं, इनके हाथ क्यों नहीं है जिनसे ये खाते हैं? तो सच्ची मुच्ची का खुदा जो, अगर ये वाला सच्ची मुच्ची का नहीं है, जो सच्ची मुच्ची का उतर के बताता क्यों नहीं है? हाँ जी,
तो ये अल्लाह का इनकार नहीं है, मतलब अल्लाह ने इनकार नहीं किया, ये अल्लाह को अल्लाह मानने को, का, मानने ना हाँ मानने का इनकार वो चीज़ है। तो उसके हाँ बारे में बताया हाँ गया। तो मुझे क्या बता रहे कि एक बंदा जिसने फ़ोन निकाल के बताया कि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने बोला है क्या कि पूरा जो यूनिवर्स है वो अल्लाह ने बनाया है। वो कहता है कि भाई इस बात की दलील क्या है, कल को कोई भी उठ के बोल सकता है कि ये मैंने बनाया वो मैंने बनाया है, क्या इस बात की दलील है। बट उसका आंसर मुझे आपने ऐसे दिया है कि अगर किसी चीज़ पर एक का ही दावा है, दूसरे का दावा अभी तक किया ही नहीं है, इतने हजारों करोड़ों साल चले गए, सिर्फ एक अल्लाह का ही उस पर दावा है कुरान के अंदर लिखा हुआ, और किसी ने दावा किया ही नहीं है उस चीज़ पर, तो तब तक तो उसी को ही मानेंगे। अगर कोई दावेदार सामने आता है तो फिर दलीलें आती हैं कि भाई तुम अपनी दलील दो, तुम अपनी दलील दो, ठीक है। अब अल्लाह की तरफ से तो दलील कुरान के अंदर दे दी गई हैं, एक एक चीज़ें बताई दी गई हैं, और 1400 साल पहले ही बता गई हैं, जब ना कोई टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था, सब उसमें एक एक चीज़ बता दी गई है, जो आज साइंस भी प्रूफ कर प्रूफ रहा कर है रही है। कि पहले आसमान और ये मिले हुए थे, तो एक धमाका हुआ जिससे वे दूर फैलते चले गए, वो सब चीज़ें अल्लाह ने कुरान के अंदर बोली गई हैं, और आज साइंटिस्ट भी वो चीज़ें साबित कर रहे हैं। प्रूफ कर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल आप देख रहे होंगे बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी, उसमें भी यही यही कहते हैं कि पहले सब कुछ पास पास था, एक अचानक से धमाका हुआ और चीज़ें दूर होनी शुरू हो गई। सेम कुरान के अंदर यही लिखा हुआ है। अब 1400 साल पहले आज से इतनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं यार, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था, इंसान इतने दूर तक सोच ही नहीं सकता था, हमारे दिमाग उस लेवल के नहीं थे, ये हमारे इस दिमाग इस लेवल के अभी 100, 200, 300 साल, 400 साल पहले तक अब डेवलप होने शुरू हुए हैं। जब बिजली आई है इससे हम धीरे धीरे और चीज़ें हमने करी हैं, मार्स पे जाने का सोच रहे हैं, मून पे चले गए, तो ये अभी 50, 60 साल पहले चीज़ें हुई हैं। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कुरान में बहुत 1400 साल पहले लिख दी गई थी और वो अब जाके प्रूव हो रही है साइंटिस्ट के थ्रू। बिल्कुल, इवन पहले तो ये कहते थे कि अर्थ अपनी जगह पे है और सन आसपास घूम रहा है, तो ये 400, 500 साल पहले ही किसी बंदे ने कहा था कि सन नहीं सन घूम रहा, घूम रहा, हम घूम रहे हैं सन के हाँ, अराउंड, अर्थ घूम रही है। बिल्कुल, तो उस टाइम भी ऐसे कुछ बंदे कहेंगे अगर घूम रहे हैं तो हम घूम क्यों नहीं रहे, हम खराब अपनी जगह पे क्यों रुके हैं, बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो बहुत से लोगों की बहुत सी बातें होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि जितने इंसान होंगे उतनी बातें होंगी, तो ये जो दिखे वो हमेशा सच ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक विश्वास भी तो एक कुछ चीज़ होती है ना, कि बिल्कुल, जो बोलते हैं कि विश्वास करोगे तो उसका ही बेड़ा पार है। ईमान की ताकत वही तो है, ईमान की ताकत असली बात है। मतलब सारी दुनिया विश्वास पे कायम है। बिल्कुल, तो चलते गाइज, ये वीडियो थी इस्लामिक यूट्यूब चैनल से। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।